आपकी लाइफ में वो क्या मोड़ था जिसकी वजह से आप बाकियों से अलग हुए? वो अलग अलग दिखाता है, जैसे अमेरिकन, ब्रिटिश, ठीक है, इसका क्या है मतलब? इंडिया दैट इज भारत, आज से 7,000 साल पहले या 10,000 साल पहले, जिस वक्त यूरोप में भूखमरी थी, लोग गरीबी से मर रहे थे, उस वक्त भारत में एक जीती जागती सभ्यता मौजूद थी। बिल्कुल, डेफिनेटली इंडियन सिविलाइजेशन, और यू कैन से दैट द भारतीय सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल स्टेप्स पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में सफलता को प्राप्त किया और आज वर्तमान में ये हरियाणा के एक कॉलेज में अंग्रेजी की प्रवक्ता मौजूद है। इन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजी के प्रति विद्यार्थियों के मन में जो डर है उसे कैसे न कैसे दूर किया जाए, इसी कारण से इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है। ये सभी बुक स्कूल लेवल के स्टूडेंट से लेकर, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी या फिर नीट या फिर आईलैट्स के एस्पिरेंट भी हैं, तो आप सभी के लिए ये कारगर सिद्ध होंगी। तो मिलते हैं डॉक्टर मोहिंद्र कुमार जी से। तो आप कैसे कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की सर? आज आप एक प्रवक्ता हो कॉलेज में, थोड़ा आप स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताओ, अपनी लाइफ के बारे में, आपने कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअली जब मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो उस समय इतना प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे, सो आई हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो मेरी जो सारी स्टडी हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई, 10th+2, इवन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आई डिड इन गवर्नमेंट कॉलेज। एंड ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर बनूंगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई हैव डन माई कॉमर्स ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, सो आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट। तो मेरा मन था कि CA बनने का, तो मन जो था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का था, बट माई मेटर्नल अंकल ही हैड बीन प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट गवर्नमेंट कॉलेज हिसार, तो उन्होंने डायरेक्ट किया कि आप एक बारी इधर जाइए, एक बार आप एडमिशन लीजिए। देन आई टुक एडमिशन इन MA इंग्लिश। तो जब मैं एडमिशन लिया उस समय मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट आई रियली वर्कड वेरी हार्ड एंड when the final result was declared, so I was the topper of the college with the first division. So, uske baad interest apne aap develop hua, and then I started this field because I liked teaching. Teaching mujhe karwana bahut pasand hai, and then I became the professor of English. Okay, aapki family mein aap hi kyun aage aaye? Baakiyon ko kyun nahi mauka mila? एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली में मैं अकेला ही हूँ जो एजुकेशन में थोड़ा सा आगे गया। दो वी हैव 3 brothers, वन एल्डर ब्रदर एंड वन यंगर ब्रदर। सो एल्डर ब्रदर भी नहीं बड़ा, तो ही रन्स अ मोबाइल शॉप, एंड यंगर ब्रदर वो भी इतना नहीं पढ़ पाया, एंड ही रन्स अ जनरल स्टोर। लेकिन मैं उन तीनों में से मैं ही पढ़ा, बिकॉज आई हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, और मेरा एक सिंपल सा फंडा था जो मैंने अडोप्ट किया स्कूलिंग से लेकर इवन पोस्ट ग्रेजुएशन तक। मेरे ख्याल में उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया आगे बढ़ने में। मेरा एक प्रिंसिपल था कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं स्कूलिंग चल रही थी, जैसे स्कूल से वापस आता था सबसे पहले अपना होमवर्क करता था जी। खाना खाने के बाद अपना रिटर्न होमवर्क, लर्निंग होमवर्क, and then I started enjoying playing etc. यही फॉर्मूला मैंने आगे ग्रेजुएशन में भी कंटिन्यू किया कि कॉलेज से आए, कॉलेज से आने के बाद खाना खाने के बाद सबसे पहले अपना होमवर्क किया जी, और जो कॉलेज में मिला। तो मेरे ख्याल में ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कोई स्टूडेंट इसी को ही फॉलो कर लेता है कि जितना आपको होमवर्क मिलता है या कॉलेज में जितना आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप उसको आके रिवाइज करते हो और बिल्कुल वही सफिशिएंट टीचर्स के साथ साथ चलते हो, तो मेरे ख्याल में आप इंटेलिजेंट अपने आप बन जाते हो। तो ये मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला था जो मैंने अडॉप्ट किया। आपकी लाइफ में वो क्या मोड़ था जिसकी वजह से आप बाकियों से अलग हुए? कोई ऐसी घटना याद आती हो आपको? मैं बनना तो CA चाहता था, लेकिन जो इंस्पिरेशन आप कह सकते हो, टू सम एक्सटेंट आप इंस्पिरेशन कह सकते हो, लेकिन
मुझे उस फील्ड में भेज दिया गया। कई बार आप क्या कहते हैं कि धक्के से धकेल दिया गया। मेरा इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश में, और टू टेल द रियलिटी जब मैं एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया तो हमारे एक टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में टीचर थे, तो उनको पता था कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड से आया है, और जितने मेरे साथी थे वो सब बीए करके आए हुए थे, उन्हें इंग्लिश का पहले से नॉलेज थी, कुछ उनमें से बीए ऑनर्स भी थे जो लिटरेचर पहले से पढ़े हुए थे, और कॉमर्स में लिटरेचर इतना आता नहीं है। तो वो टीचर जब भी कोई टेक्निकल टर्म्स होती थी ना, वो मुझसे पूछता था जान करके, मुझे क्लास में ह्यूमिलिएट करने के लिए। अब मेरी क्लास में कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल्स भी थी और बॉयज भी थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो मेरी इतनी स्पोकन भी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो टीचर्स हमेशा मुझे खड़ा कर लेता था, अच्छा इस चीज़ का मीनिंग बता, तो मुझे ह्यूमिलिएट किया जाता था। तो कई बार आपकी ह्यूमिलिएशन भी क्या है जी, आपकी इंस्पिरेशन का सोर्स बनती है। जब मुझे ह्यूमिलिएट किया गया तो मैंने मन बनाया कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सेल इन दिस फील्ड, और उसके बाद फिर मैंने रात को 3-4 बजे तक पढ़ना शुरू किया, और यस आई एक्सेप्टेड द चैलेंज, एंड एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्मड यू दैट व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड सो आई वाज द टॉपर ऑफ द कॉलेज। तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो मेरा इंटरेस्ट फिर मुझे इंग्लिश में आने लग गया, मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगने लगा, और देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग लिटरेचर। उसके बाद मैंने इसमें पीएचडी भी की, नेट भी क्लियर किया, एमफिल भी किया मैंने इसमें, और मैंने 2 books भी लिखी हैं इस फील्ड में इंग्लिश में। तो स्टिल आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। क्या नाम है बुक्स का? एक बुक्स तो है कि जब मैं खुद स्कूलिंग में था या खुद जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक प्रॉब्लम पाई बच्चों में कि बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, नहीं। उनकी प्रोनंसिएशन बड़ी रॉन्ग होती है, दूसरा बच्चों को स्पेलिंग से एरर बहुत होते हैं, जब वो लिखने लगते हैं किसी भी वर्ड को उसमें एरर कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी अपनी स्कूलिंग में, अपने कॉलेज लाइफ में, और ये मैंने बच्चों की भी महसूस की, इसलिए इसके ऊपर मैंने बुक लिखी है जिसका नाम है करेक्ट स्पेलिंग एंड करेक्ट प्रोनंसिएशन एट योर फिंगर टिप्स, जिसमें मैंने ट्रिक्स बताए हैं, मेथड्स बताए हैं कि कैसे आप अपनी प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे आप अपनी स्पेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आपकी गलती ना हो स्पेलिंग में। एक बुक तो मेरी इसमें है, और सेकंड मेरी बुक है जो स्टूडेंट्स नेट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो 6-8 तक टीचर जिसे हम टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक मल्टीपल चॉइस बुक लिखी है लिटरेचर के ऊपर जिसका नाम है एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। तो ये बुक बहुत पसंद की जा रही है लोगों द्वारा, तो बच्चों द्वारा, तो दीज टू बुक्स आई हैव रिटन इन दिस फील्ड। तो कहते हैं ना, मतलब जिस फील्ड में आप चले गए आपको कमियां पता है, वही बंदा बता पाएगा भी इसमें आप कैसे निखार सकते हो। वही मैंने, इसलिए मेरी जो पहली बुक थी वो नर्सरी क्लास के बच्चे से लेकर टीचर्स तक वैल्यूएबल है, वो यूजफुल है। नर्सरी क्लास का बच्चा भी उसमें बहुत मतलब बेसिक से लेकर जो प्रॉब्लम्स एक बच्चे को फेस होती हैं इंग्लिश के टाइम, इंग्लिश पढ़ते हुए, उन प्रॉब्लम्स को मैंने डील किया अपनी पहली बुक में, करेक्ट प्रोनंसिएशन एंड करेक्ट स्पेलिंग एट योर फिंगर डिटेल में लिखा। हाँ, उनमें मैंने मेथड्स बताए। डिटेल में जाओ तो बच्चे बड़े उलझ जाते हैं, मैंने जैसे शॉर्टकट मेथड बताए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने उसमें रूल लिखा कि ALK जब भी इंग्लिश में इकट्ठा आता है तो उसे हम ओक बोलते हैं, जैसे TALK, अब बच्चे इसको टाल्क बोलते हैं, अब टाल्क नहीं आएगा, इसको टॉक, ठीक है, WALK इसको वॉक बोलेंगे, वालक नहीं बोलेंगे, अब बच्चे इसको वालक पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। अब मैंने अपनी बुक में उसने रूल लिखा कि ALK जब भी आएगा इकट्ठा तो उसको क्या बोलेंगे, ओक की आवाज देगा, इसी प्रकार टॉक वॉक, है ना, तो बच्चे करेक्ट प्रोनाउंस करना सीखते हैं। जैसे हम वर्ड है DAY, अब बच्चे इसको डे बोलते हैं,
ठीक है, डे बोल सकते हो, दैट्स नो प्रॉब्लम, बट इसमें ए ही साउंड आता है, डे ही बोलता है, डे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स मैंने उसमें डिस्कस किए हैं, जैसे ए डबल एल जहां भी आ जाए तो वो ओल की आवाज देता है, जैसे एच ए डबल एल, अब हम हाल बोलते हैं, अब हाल नहीं है, इट्स होल, एस एम ए डबल एल, इट्स नॉट स्मॉल, इट्स स्मॉल, तो बच्चों को पता चला कि ओ की आवाज निकालनी है, ए की आवाज नहीं निकालनी। तो ऐसे मैंने शॉर्टकट रूल्स बनाए हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स उसमें मैंने यूज किए अपने खुद के एक्सपीरियंस से, खुद की नॉलेज से उनके रूल बनाए और बच्चों को बताया कि कहाँ चीज साइलेंट है। जैसे बच्चे अब साइलेंट लेटर की बात करें तो बच्चे पता ही नहीं है कि कौन सा लेटर साइलेंट है या नहीं है, मैंने बहुत सारे रूल्स उसमें अपनी बुक में लिखे हैं। जैसे सबसे ज्यादा मेजर मिस्टेक करते हैं साइलेंट डी, अब मैंने अपनी बुक में लिखा कि जब भी डी और जे इकट्ठे आते हैं तो डी साइलेंट रहता है, अब बच्चों को ये रूल पता नहीं है। जैसे ए डी जे यू एस टी, अब बच्चे इसको एडजस्ट बोलते हैं, अब एडजस्ट नहीं है, एडजस्ट है, डी साइलेंट रहेगा, डी और जे इकट्ठा है। सिमिलरली ए डी जे ई सी टी आई वी ई, बच्चे इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, अब एडजेक्टिव नहीं है, डी और जे इकट्ठा रहा तो डी साइलेंट रहेगा, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं उस बुक में जो कॉमन लाइफ से रिलेटेड है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मेरी वो बुक नर्सरी क्लास से लेकर इवन इंग्लिश के टीचर तक बेनिफिशियल है, क्योंकि हर कोई उसमें सीख सकता है, मतलब हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए वो, हाँ, इंग्लिश का कोई भी स्टूडेंट हो जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश से उसका कुछ रिलेशन है, तो वो बुक सबके लिए यूजफुल है। एक सर मैंने देखा है, मतलब कोई भी वर्ड आप गूगल पे सर्च करते हैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन, वो अलग अलग दिखाता है, जैसे अमेरिकन, ब्रिटिश, ठीक है, इसका क्या है मतलब, ये सभी देशों में अलग अलग बोली जाती है एक ही वर्ड को? नहीं, प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अच्छा, अमेरिकन दे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड ब्रिटेन इट हैज डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, बट एक्चुअली whatever pronunciation you use, whether you use the British pronunciation or the American pronunciation, but the most accepted two pronunciations are British and American. But American or British mein baat kare to British is more acceptable in India than the Americans. Kyunki British they ruled over India for so many years. तो वो acceptable. देख लिया उनकी मतलब बातों को, हर चीज को समझ लिया, acceptable हो गई. हाँ, definitely. तो वो ज़्यादा है. तो इतना भी नहीं कहते कि जैसे वो प्रॉपर एक्सेंट में बोलते हैं अंग्रेजों की तरह, हमें ऐसा अंग्रेजों की तरह बोलने की जरूरत नहीं है इंडियंस को, वी कैन टॉक इन अवर एक्सेंट बट एटलीस्ट द प्रोनंसिएशन मस्ट बी करेक्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि डब्ल्यू एल को आप वालक बोल दो, अब वालक थोड़ी है तो वॉक, ठीक है, उनकी तरह आप स्टाइल में नहीं बोल सकते, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, चाहे बोलो आप इंडियन एक्सेंट में, लेकिन प्रोनंसिएशन तो करेक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए ब्रिटिश प्रोनंसिएशन इज मोर एक्सेप्टेबल देन अमेरिकन, अमेरिकन भी चलती है, बट वी कैन, इंडियंस, जहां तक इंडियंस की बात है उन्हें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे अपने इंडियन एक्सेंट में बोलें लेकिन उनकी प्रोनंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए। सर एक हाल ही में चर्चा में रहा एक वर्ड इंडिया, दैट इज भारत, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत का शब्द, मतलब भारत के लिए भारत शब्द सही है या इंडिया शब्द सही है, इसके बारे में थोड़ा हमारे? That is a very good question. Actually, personally, if you ask me and if you seek my suggestion, so India is not a proper word for our country. Yes. It was given to us by the Britishers. Yes. And India, the word India has a wrong connotation. For example, if you take the example of West Indies or from the Red Indians. They were called, it was a tribe of barbarians. Asabhe logo ki tribe. And that's why the word Indian. And do you know, if you even consult the dictionary, you will be surprised to find the meaning of Indian. If you consult Oxford dictionary, so do you will find the meaning barbarous and uncivilized people. Barbarous means cruel, and uncivilized means asabhe log. So even you consult the dictionary meaning of the word Indian, so you find that its meaning is barbarous and uncivilized people. So it means it is a term derogatory for
our country and the people of our country. And that's why I personally think that Bharat is a suitable word for our country because we are Bharatiya. क्योंकि सर भारत शब्द बहुत अपने आप में अति प्राचीन है, ठीक है, और इंडियन शब्द इंडिया से इसलिए रिलेट करते हैं कि उनको हीन दृष्टि से आज भी देखा है। Definitely this word was given by the Britishers that I have explained you. जो ये देश बात करते हैं जैसे कि ब्रिटेन या यूरोप, ठीक है, और आज बात करेंगे आज से 7000 साल पहले या 10000 साल पहले जिस वक्त यूरोप में भूखमरी थी, लोग गरीबी से मर रहे थे, उस वक्त भारत में एक जीती जागती सभ्यता मौजूद थी। बिल्कुल, definitely. Indian civilization, or you can say that the भारतीय civilization is the oldest civilization. Yes, sir. So that's why. So I don't personally feel that this country should be called Indian or India. Rather, its name should be Bharat. Bharat. We must proudly call ourselves Bharati. Yes, sir. ये अपना कल्चर भी है, ये अपनी परंपरा भी है, संस्कृति भी है। तो सर जो आज के युवा यूथ हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश में टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई सजेशन? एक्चुअली जो भी इस फील्ड में जा रहा है, चाहे वो नेट की प्रेपरेशन कर रहा है, जहाँ वो टीचर बनना चाहता है, जहाँ फिर यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहता है, क्योंकि यूपीएससी में भी आप इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो इंग्लिश हैज अ पिवोटल रोल इन ईच एंड एवरी फील्ड। वेदर यू गो फॉर एनी पोस्ट, तो वहां पर इंग्लिश तो आनी आनी है। सो स्पेशली दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश एंड हु वांट टू बिकम द टीचर्स ऑफ इंग्लिश, मैं सिर्फ उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा। एक्चुअली दोज पर्सन्स दे मस्ट गो वेरी डीप इन दिस फील्ड। एक्चुअली नॉर्मली क्या देखा जाता है कि इंग्लिश के टीचर्स बन तो जाते हैं but they lack knowledge. Yes. They don't have proper knowledge of grammar, they don't have proper command over spoken English, and even their literature part is missing or lacking. But when you are going in a field, us field mein jab aap ja rahe ho, to you must try to get mastery over your subject. To jitna zyada ho sake usko aur deeply padhne ki koshish karni chahiye, and you should try to know to gain the you can say the maximum knowledge of that subject. फिर हम अपने बच्चों को justify कर पाते हैं, बच्चों में inspiration पैदा कर पाते हैं। अगर हम खुद ही English में lack करते हैं तो हम बच्चों को कैसे inspire कर पाएंगे? Yes. बच्चे तभी सीखेंगे जब हमें कुछ आता है। When we ourselves don't know what to teach and how to teach, तो how can the students become intelligent? सही बात है। और दूसरी चीज ये है कि जो मैं आजकल की जो लाइफ को देखता हूँ, इंग्लिश नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन सभी स्कूल्स में और सभी कॉलेजेस में इंग्लिश को सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। दिस इज अ बैड थिंग विच आई फील, और इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी देन आई विल लाइक टू करेक्ट दिस मैथडोलॉजी which is being followed in different schools and colleges. English को कभी भी आप examination point of view से नहीं पढ़ाएं। क्या किया जाता है कि schools और colleges में एक lesson पढ़ा दिया जाता है, उसके question करवा दिए जाते हैं और उसको question को cram करवाया जाता है। बच्चे ऐसे करते हैं। Grammar भी सिर्फ examination point of view से पढ़ाई जाती है। अच्छा भाई examination में ये चीज आनी है, आपको rule बता दिया, आप paper में करके आ जाते हैं। कुछ नहीं पढ़ाया जाता। But what should be done? क्या किया जाना चाहिए? This English language should be taught from language point of view. Language point of view means from the very nursery class, बच्चों को English बोलना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को English बोलनी आ गई, so they will be able to write their own answer. उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, वो खुद अपने answer लिख लेंगे, वो खुद अपने आप literature पढ़ लेंगे. Only then they can become you can say competent in this subject. Otherwise, आपने देखा होगा कि even लोग post graduation in English कर जाते हैं, masters in English हो जाते हैं, but they are not able to write even a simple application. They are not able to speak even two or three sentences correctly. तो इतनी बुरी हालत होती है जब आप masters कर चुके हो English में, उसके बाद भी आपकी हालत है कि आप एक proper English की application नहीं लिख सकते, एक essay नहीं लिख सकते, आपको sentences properly नहीं बोल सकते।
So I think methodology which is being followed is quite wrong. So it should be corrected. And instead of teaching English from the examination point of view, it should be taught from language point of view, for communication points of view. And the students, they should be made to speak or to communicate in English. And to make students communicate and speak in English is quite easy. बहुत आसान है, बहुत easy है. तो in this way English should be taught. Okay sir. सर जैसे कि आपने बताया कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हो, मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से, ठीक है, 12th तक. आज की मतलब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर तो है सभी, ठीक है, जैसे आपने बताया भी अपनी नॉलेज में इतने माहिर नहीं है, ठीक है. तो वहाँ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, मान लो वो स्टार्टिंग से, मान लो टीन एज में, अभी स्कूल लाइफ में, वो कहाँ से अपनी इंग्लिश तैयार करे? एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन, अगेन इफ आई टेल द रियलिटी, सम टीचर्स दे मे गेट ऑफेंडेड, कुछ टीचर मेरी बात से नाराज भी हो सकते हैं. बट इफ आई टेल द रियलिटी दैट इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट, इट इज द फॉल्ट ऑफ द टीचर्स. That if a student is not able to speak or write in English or communicate in English, so it is not the fault of the student, it is the fault of the teachers. Because teachers are not able to teach in that way that the students must be able to speak or communicate or as well as write in English. So, isme teachers ko efforts karne chahiye, usko ek methodology find out karni chahiye. Aur dusra, English pata kaise padhai jati hai schools mein? From a translation point of view, आपको कैसे पढ़ाया जाता है, टेंसेस कैसे करवाए जाते हैं, जिस टेंस, जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है आ जाए, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं. दिस इज हैकनेड मेथड. ये बड़ा पुराना ब्रिटिश बड़ा पुराना मेथड है. ये तो फॉलो नहीं होना चाहिए. इंग्लिश शुड बी टॉट फ्रॉम कॉन्टेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू. अब वट इज कॉन्टेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू? आपने बच्चे को ये बताना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप प्रेजेंट ट्रुथ की बात करते हो या आप प्रेजेंट हैबिट्स की बात करते हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे. आप जब एक बच्चा इंग्लिश में तभी बोलता है जब वो इंग्लिश में सोचता है और इंग्लिश में बोलता है. अगर आप सोचोगे हिंदी में फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और दैट स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू गेट एक्सलेंट कमांड ओवर लैंग्वेज. So a student can get excellent command over language if the language is taught from contextual point of view. मतलब ये इस चीज के लिए बच्चे को तैयार करना पड़ेगा और वो काम है स्कूल के टीचर का, वो इंग्लिश में चीज को सोचे contextual point of view से पढ़ाए. जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की प्रेजेंट हैबिट, आप बच्चों को बताओ कि इस समय जो कुछ भी ट्रुथ है प्रेजेंट ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा. अब उसको बताओ कि बताओ अपनी मम्मी की आदतों के बारे में बता दो, कल इस पे आपने एक पैराग्राफ लिख के आना है. अब वो बच्चा लिख के आएगा, सारा किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा. वो क्या कहेगा? द नेम ऑफ माय मदर इज दिस वन, माय मदर वेक्स अप. अब क्या बता रहा है? उसकी आदतें बता रहा है. कौन सा टेंस लगा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहा है. माय मदर वेक्स अप एट 5 AM, देन शी टेक्स बाथ, then she prepares food for us, she prays to God. अब क्या लग रहा है इसमें? Present indefinite tense. हमने सिर्फ एक ही रूल बताया ना कि आप जो present habit की बात करोगे, आज जो आपकी आदत है, आज जो आपके मम्मी पापा की आदत है, आज किसी की भी आदत है, उसके लिए हम present indefinite tense लगाएंगे. तो बच्चा अपने आप normally लिख पाएगा. ऐसे जब उसको कहा जाता है my village, मेरे गाँव के बारे में लिखो, तो वो जो कुछ भी लिखेगा वो गाँव के बारे में truth लिखेगा, तो present tense use करेगा. तो इंग्लिश इज क्वाइट इजी अगर उसको कॉन्टेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाए. अगर आप बच्चों को सिर्फ ट्रांसलेशन में उलझा के रखोगे तो देन इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट. वो आपने कंडीशन दे के रखी है. बच्चों को पहले तो सीखना चाहिए और सीखना भी किससे? टीचर से. डेफिनेटली द टीचर शुड चेंज हिज और हर मैथडोलॉजी एंड टीच द स्टूडेंट्स एज इट इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी. मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको इंग्लिश को सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाना. जब तक आप इंग्लिश को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते रहोगे नो इम्प्रूवमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड. सो इफ यू वांट टू मेक योर स्टूडेंट्स कैपेबल इन दिस लैंग्वेज
which holds a pivotal importance and the most important position it has in the world. So definitely the student, that the teachers, they will have to work really very hard. Yes sir, hota bhi yahi hai sir, hota yahi hai, aaj ki vastavikta yahi bani hui hai. Examination point se padhaya jata hai. Aapki life se judi koi ek aadhi koi baat hamare darshakon se share karna chahoge? Lagbhag main share kar hi chuka hu ki kai bar aapki na humiliation bhi इंस्पिरेशन का सोर्स बनती है. वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो एक टीचर मुझे बहुत ह्यूमिलिएट करता था क्लास में. उसे पता था कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड से आया है तो इसको इस टेक्निकल टर्म्स का पता नहीं होगा, तो जान करके मुझे खड़ा कर लेता था. उस समय मेरी प्रोनंसिएशन भी इतनी अच्छी नहीं थी तो वो मेरी प्रोनंसिएशन का भी मजाक उड़ाते थे क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड में इंग्लिश को ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो ना ही हमें उस समय प्रोनंसिएशन की कोई नॉलेज थी. लेकिन मुझे, मैंने उस ह्यूमिलिएशन को एज ए चैलेंज लिया. आई एक्सेप्टेड द ह्यूमिलिएशन एज ए चैलेंज एंड देन आई वर्क रियली वेरी हार्ड एंड एट लास्ट आई केम आउट विक्टोरियस. अभी सर आप क्या पोजीशन पे हो, क्या टीचिंग? एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन बोड़ियाकेड़ा फतेहाबाद. और though I have a very long background of teaching, but for the last 9 years, for the last 8 years, continuous 8 years, I am working as assistant professor of English. But before that, I worked also at Chaudhary Devilal University for one session. And before that, prior to that, I also taught at MM College, Fatehabad, Sahaj Satnam Jibhaj College. So I have taught in different colleges and I have also worked in education department also. Okay. As ABRC, as BRP. So I have done so many works, so many jobs. I was also selected in Jawaharlal Navodaya Vidyalaya. My posting was in Shillong. It is situated in Arunachal Pradesh. So I worked there only for 10 days and then I was selected as assistant professor of English at Guru Nanak College Budhlada in Punjab. So I left that job and then I joined Guru Nanak College Budhlada and I worked there for 4 years. And then after that I was selected in Haryana as assistant professor of English. And now I have been working as on this post for the last 4.5 years. तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि सर ने किस प्रकार से संघर्ष किया और दिनचर्या की बातों से सीखा, तो सर हमारे दर्शकों को कोई ऐसी 5 टिप्स बताइए जिनसे वो आगे सीख पाए. बस 5 टिप्स सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं. एक तो अगर आप पढ़ने की स्टेज में हो तो एक अपना एक डेली रूटीन बताइए, जो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले अपने होमवर्क को जरूर पूरा करिए. Yes. चाहे वो आपका स्कूल का हो, चाहे आपका कॉलेज का हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, पहला जो आपका जो काम होना चाहिए दैट इज टू कंप्लीट योर होमवर्क इन ए गुड वे. चाहे आपका रिटर्न मिला है, चाहे आपका लर्निंग मिला है, उसको कंप्लीट कीजिए. और सेकेंडली, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसको एक एज बर्डन मत पढ़िए, उसको एक एज इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए. yes, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना तो है ही है, चाहे आप उसको बोरिंग वे में पढ़ोगे, बर्डन समझ के पढ़ोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे, आपका माइंड फ्रेश रहने लग जाएगा. और ये आपने देखा होगा, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप कभी बोर नहीं होते. देखो, सब्जेक्ट तो हमने सारे पढ़ने हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट को एज ए बर्डन नहीं पढ़ना, बट एज ए प्लेजर पढ़ना है, आनंद पढ़ना है, उसको आनंद लीजिए. यही मैं अपने कॉलेज में भी बच्चों को कहता हूँ कि देखो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको एज ए प्लेजर पढ़िए. थर्डली, जो बच्चों में मैंने पाया है, लगभग कॉलेज में मैं जैसे पढ़ाता हूँ, कॉलेज में भी मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चों में ना क्वेश्चन पूछने की स्किल नहीं, और स्किल भी कह सकते हैं कि वो बड़े डरे से रहते हैं, वो क्वेश्चन ही पूछते. एक आप अपने आप में ये एबिलिटी डिवेलप कीजिए टू रेज क्वेश्चन, क्योंकि देखो, आपका दिमाग है तो दिमाग में क्वेश्चन तो आते हैं,
लेकिन बच्चे इतने डरते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछते. नो, यू शुड रेज वट एवर कम्स इन योर माइंड, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको पूछो, चाहे वो सिली क्वेश्चन हो. इवन इफ दैट इज ए सिली क्वेश्चन, इट विल टीच यू. चाहे वो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन था तो भी आपको पढ़ाएगा. आई थिंक यू मस्ट हैव वॉच द मूवी थ्री इडियट्स. उसमें जो अमीर खान है वो बड़ा एक सिली क्वेश्चन पूछता है अपने प्रोफेसर से. वो कहता है कि जब हम स्पेस में जाते हैं तो इतना कॉस्टली पेन लेके जाते हैं, वहां पे पेंसिल क्यों नहीं लेके जा सकते. तो वो एक सिली सा क्वेश्चन पूछता है और बाद में उसका प्रोफेसर उसे टाइम आने पर आंसर भी देता है क्लियर. उसे ये कहता है कि अगर पेंसिल ले जाएं तो पेंसिल का जो सिक्का है ना, क्योंकि वहां ग्रेविटेशन फोर्स कम है तो वो घूमता रहेगा, किसी के आंख में लगेगा, किसी के नाक में लगेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो इवन इफ जो आमिर खान है एक सिली क्वेश्चन पूछता है, बट ही कम्स टू नो समथिंग कि ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, वो डेंजरस है. तो ऐसे वट एवर कम्स इन योर माइंड आपने क्वेश्चन पूछना, और जिस दिन आपने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए तो समझ लीजिए कि आप इंटेलिजेंट के रास्ते पे पहुंच गए. तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. आपका भी धन्यवाद कि आपने बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रहे थे, आज आपका टाइम मिला. एक्चुअली मैं भी तैयारी करता हूँ सिविल सर्विसेज की, तो मेरे को ही मंथ में लगभग एक या दो दिन टाइम ही मिलता है, उसके लिए हम टाइम निकालते हैं. यूट्यूब पे चैनल है हमारा इंस्पिरेशनल स्टेप्स. थैंक यू आपका भी कि आप भी टाइम निकाल के आए और मेरी लाइफ से रिलेटेड आपने कुछ पूछा, और शायद मेरे जो बातें मैंने यहाँ शेयर की हैं वो कुछ बच्चों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगी और वो भी अपने फील्ड में बेहतर करेंगे, कामयाब होंगे. यस सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी.